साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा मंथन में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम। आज वास्तव में मंगलवार है और आप बिल्कुल इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे ब्लॉग का कि आज आपको कोई नई किताब, नए ग्रंथ, नई पांडुलिपि के बारे में जानकारी प्राप्त हो, अभिरुचि है आपकी। और वास्तव में आज हम आपको एक बहुत छोटा सा ग्रंथ, बहुत छोटी सी रचना और वर्तमान काल की मैं आज आपके सामने रखूंगा। वास्तव में देखिए इस पर अगर आप मंथन करेंगे इस विषय पर, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले दुनिया में जो रचना हुई वो वेदों की हुई, त्रगवेद की हुई। इसके बाद देखिए निरंतर शास्त्र समय गति के हिसाब से चलते ही रहे। फिर वेद आए, वेद के बाद उपनिषद आए, उपनिषद के बाद पुराण आए, पुराण से पहले रामायण आई, रामायण से के बाद फिर रामचरितमानस आई, कालिदास की मेघदूतम और दुनिया भर के शास्त्र आए, और फिर आर्यभट्ट के साहित्य आए, और विज्ञान की भी प्रगति हुई। और देखिए आज की तारीख में भी अगर जिस समाज, जिस देश, जिस राष्ट्र में अगर कोई ग्रंथ या रचना, कोई नई किताब अगर नहीं लिखी जा रही है, तो आप ये समझिए कि वो देश और वो समाज एक तालाब की तरह हो गया है और उसमें फिर बदबू आना ही आना है। चरे वेति, उसी तरह शास्त्रों का नियम है, किताबों का नियम है, रोज नई किताबें लिखनी जानी चाहिए। जैसे नए समाचार पत्र आता है, समाचार पत्र क्या है, किताब और ग्रंथ ही तो है, आज का एक दिन का इतिहास है। तो उसी तरह से ये क्रमगत चलते रहना चाहिए। तो आज उसी क्रम में आज बहुत ही दिव्य ग्रंथ हमारे सामने है और दिव्य व्यक्तित्व भी है। आज उस व्यक्तित्व के संबंध में मैं एक पूज्य श्री महात्मा गांधी जी से संबंधित एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। मैंने महात्मा गांधी जी को और पूज्य श्री विवेकानंद जी को देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि वो सबको सम्मोहित कर देते थे। वो जिस देश में जाते थे, जिस राष्ट्र में जाते थे, वहाँ के समाज को, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को, वहाँ के प्रतिनिधियों को सम्मोहित कर देते थे, और जो उनके सामने होता था वो वही करता था, वही कहता था, वही सोचता था जो वो चाहते थे। ये विलक्षण होते हैं, ये ईश्वर की तरफ से आते हैं और ये कुछ कालखंड के लिए इस दुनिया में आते हैं, कुछ नया करने के लिए। तो श्री सोहनलाल द्विवेदी साहब ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं पूज्य श्री गांधी जी के लिए, और मैंने राष्ट्रपिता गांधी जी को देखा तो नहीं है, क्योंकि मेरे जन्म के पूर्व ही पूज्य श्री का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन मैंने उन पंक्तियों को पढ़ा अवश्य, और उन पंक्तियों से संबंधित मैं एक व्यक्तित्व की तलाश कर रहा था। तो उसी तलाश के क्रम में आज हमको एक युवा मिल गए हैं, और युवा से आप भी परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो आज परिचय कर लीजिए। युवा हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं और आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। युवा हैं, ऊर्जावान हैं और सौम्य हैं, विनम्रता की खान हैं, शिष्टाचार की खान हैं, और वाक्पटुता में प्रवीण हैं, प्रति उत्पन्न मति से ओतप्रोत हैं। आज उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक छोटा सा ग्रंथ सनातन क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये महान ग्रंथ जो है छोटा सा हमारे सामने है, सनातन धर्म क्या है, और पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और वास्तव में इसमें जो है बहुत ही अनमोल चीज़ों का वर्णन है। सनातन धर्म की परिभाषाएँ हैं, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के उद्देश्य, अन्य पंथों से तुलना, सनातनी होने के 5 लक्षण, सनातन संस्कृत से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तर्क, सनातन धर्म के मूल मंत्र, सनातन भूमि और सनातन धर्म, सनातन धर्म की प्रमुख विशेषताएँ, हमारे राष्ट्र में गुरु का महत्व, सनातन धर्म में कर्मकांड, सनातन धर्म के चरित्र आदि विवरण है। और ये सचित्र है, आप इसको पढ़िए, और ये धीरे धीरे सभी जगह अब ये पहुँचने वाली है। मैंने थोड़ा इसको कलेक्ट करने में जल्दबाजी की है, क्योंकि कुछ रुचि समझिए या कुछ जिज्ञासा समझिए कि बहुत दिनों से सुन रखा था कि पूज्य श्री के द्वारा ये किताब की रचना की जा रही है, और इसके लिए उन्होंने 5 दिन की छुट्टी भी ली थी,
तो वो भी मेरी जानकारी में था, मैंने पढ़ा है। वास्तव में ये छोटी है लेकिन एक एक पन्ने में एक एक मंत्र है, मंत्र के समान है। और ये बहुत मानव जगत के लिए, सिर्फ सनातन के लिए नहीं, अगर आप ये सोचेंगे तो संकीर्णता है, ये पूरे विश्व के मानव जगत के लिए एक दृष्टिकोण है। इसमें मानवता का, लोकहित का, विश्व बंधुत्व का, वसुदेव कुटुंबम का से ओतप्रोत है। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जिसके पास ज्ञान है उसी ने दुनिया में राज किया है। हमारे पास भी ज्ञान था तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लूटा गया, कुचला गया, आपको कुचला गया, बार बार कुचला गया। लेकिन अब भाई कुचलने के बाद भी भूरे के दिन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब लहर चल रही है तो लहर फिर बड़े बड़े प्रचंड वेग को भी समाप्त कर देती है, वेग उसका इतना अधिक होता है। तो आप भी जो है जागरूक होइए, पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए, और जहाँ ज्ञान है वहीं अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। इस किताब की सभी पूज्य संतों ने, बड़े बड़े दिव्य पुरुषों ने, श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और सभी लोगों ने भूरी भूरी तारीफ की है और प्रशंसा की है, और इसको ज्ञान कोटि का एक सर्वोच्च ग्रंथ बताया है। देखिए, आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आप रहस्य पाएंगे और इस किताब में क्या है ये आप समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक भाव के रूप में आपको बता रहा हूँ। आप दुनिया के सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए लेकिन सुंदर कांड श्री रामचरितमानस का जो पाँचवा कांड है वो श्रेष्ठतम है, और उस श्रेष्ठतम की अभिवृत्ति इस छोटे से ग्रंथ में पूज्य श्री जी द्वारा की गई है। देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ। ये पूज आचार्य जी के बाबा जी हैं श्री सेतुलाल गर्ग साहब। इनका श्री बागेश्वर धाम जी सरकार के इस विहंगम चित्र के बाद सबसे पहला चित्र यही है इस किताब में। ये देखिए, ये श्री बागेश्वर जी का चित्र है और इसके बाद पूज्य श्री दादाजी का चित्र है। और मतलब दादाजी का मतलब सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ है जामवंत जी से, तो ये अजय हैं, ये अमर हैं, ये समाप्त नहीं हुए हैं। सेतुलाल जी समाधि ली थी इन्होंने, जो समाधि लेते हैं संत वो हमेशा मानव सेवा में लगे रहते हैं, तो उसी तरह से पूज्य श्री भी मानव सेवा में लगे रहते हैं और जन कल्याण करते हैं। और मतलब जामवंत समझो आप सुंदरकांड का जामवंत, और सुंदरकांड में पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय हति भाए। और हनुमान जी कौन है? युवा है। तो आज की तारीख में युवा कौन है? आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। आप पूरी श्री रामचरितमानस को पढ़ डालिए, चाहे पूरी रामायण के जितने भी चित्र हैं सबको देख डालिए, तो श्री हनुमान जी का सबसे प्रचंड रूप सुंदर कांड में है, जब माता सीता जी के अनुरोध पर उन्होंने दिखाया था। उससे भयानक चित्र और उससे दिव्य चित्र आपको पूरी श्री रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। तो इस किताब में भी बहुत सारे चित्र हैं लेकिन ये जो आखिरी चित्र है ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो ये चित्र है ये विहंगम चित्र है। और भारत को इसी युवा ऊर्जा की आवश्यकता है आज, और भारत का जो आज पूरे विश्व में प्रचंड वेग चल रहा है और दिनों दिन प्रगति चल रही है, वो भारत की युवा शक्ति ही जाग गई है। हाँ, ये दुनिया वाले समझ गए हैं इस बात को कि भारत अब जाग गया है, तो भारत की युवा शक्ति ही जाग गई है। अब श्री सोहनलाल द्विवेदी साहब को आप जरूर सुन लीजिए, क्योंकि फिर ब्लॉक बड़ा हो जाता है, लोग कहते हैं ब्लॉक बड़ा कर देते हो आप। पंडित श्री सोहनलाल द्विवेदी साहब की उक्तियाँ भी सुनिए और साथ में पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आप विहंगम चित्रों को भी देखिए, जो अभी हाल की दुबई की यात्रा के हैं, जहाँ शेखों ने पूरे उनको राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ, प्रशस्ति पद प्राप्त हुआ, इंग्लैंड में संसद में जय सीताराम बोले और वहाँ भी प्रशस्ति पद प्राप्त हुआ, मॉरीशस और भी कई जगह पूज्य श्री भ्रमण कराए हैं, विश्व भ्रमण पर हैं, अभी अमेरिका जाना है, रसा भी जाना है उनको। तो दोनों महाशक्तियों में जब चले जाएंगे तब फिर देखिए, राजा से श्री रामचरितमानस में भरत जी कहते हैं विदेशी राजाओं से मत जुड़िए, विदेशी जनता से जुड़िए। अगर आप जनता से जुड़ गए तो समझ लीजिए उस देश से आप जुड़ गए। ये बहुत बड़ा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। श्रीरामचरितमानस में भगवान प्रभु श्री राम जी का और भरत जी का जो चित्रकूट में वार्ता हुई थी ये उसका रहस्य है।
हमारे चैनल में आपको बड़े बड़े गूढ़ रहस्य मिलते हैं, वो भी श्री रामचरितमानस के। इनको समझने की आवश्यकता है। थोड़ी गंभीरता से सुनिए, हमारे जो चैनल है या चैनल का जो विवरण है, थोड़ा गंभीरता से आप सुनिए, फिर आपको आनंद जरूर आएगा। फिर आपका मन रोज इस बात के लिए होगा कि आज हम राम प्रताप जी का जो है ब्लॉग को नहीं सुन पाए। ऐसे कई लोग टिप्पणी करते हैं, मैं वही टिप्पणी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम नई चीज़ आपको देंगे, बिल्कुल नई, जो जिस पे चर्चा आपने, और वो यथार्थ होगा। अब सोहनलाल द्विवेदी साहब को आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज यथार्थ क्या है, वास्तव में चित्रण। सबसे पहले तो सोहनलाल द्विवेदी साहब को ये सुनिए कि वास्तव में वो कितने ओजस्वी और क्रांतिकारी कवि थे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री सोहनलाल द्विवेदी, फिर से एक बार सुन लीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे युवा को अवश्य सोच लेना चाहिए, विशेषकर कोटा ऐसे शहरों में जो घटनाएं घट रही हैं वो बड़ी निंदनीय हैं और बड़ी चिंतनीय हैं, उनको अवश्य ही प्रेरणा लेना चाहिए। अब उस व्यक्तित्व के ऊपर जो टिप्पणी की थी सोहनलाल द्विवेदी साहब ने, जरा उसको सुनिए। चल पड़े जिधर डो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर एक भी दृष्टि, गड़ गए कोटि डग उसी ओर, जिसके सिर पर निज हाथ धरा, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ, कोटि चरण है कोटि बाह, कोटि रूप है कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रगति देख, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे जग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जग युग धर्म तना, युग प्रवर्तक युग संस्थापक युग संचालक हे युगाधार, युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। ये पूज्य गांधी जी के लिए समर्पित की थी श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने, और मैं आज पूज्य श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए रूपांतरण करके समर्पित कर रहा हूँ। और उनके व्यक्तित्व से आप प्रेरणा लें, उनकी विनम्रता से प्रेरणा लें, वो कितने मानवीय हैं, कितने लोक हित में लगे हैं, कि 24 घंटे में 18 घंटे जन सेवा के लिए काम करते हैं, अंधों को आँख दे रहे हैं, ना चलने वाले उनके सामने चल रहे हैं, और जो अन्य मानसिक बीमारियां हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं, उनका वो तत्पर इलाज कर रहे हैं। वास्तव में वो आज लोकहित और जनहित के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, और उनका व्यक्तित्व एक उज्ज्वल व्यक्तित्व है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान में वह बहुत ही प्रखर और बहुत ही ओजस्वी, और बहुत जिस जगह वो जा रहे हैं वहीं उन्हें जन स्नेह जन प्रेम मिल रहा है, और लोग में चेतना आ रही है, लोगों में आनंद आ रहा है, लोगों में उल्लास आ रहा है, लोगों में खुशी आ रही है, लोग हर्षोल्लास से और उत्साह से उमंगों के साथ और जन सैलाब के रूप में समर्पित हो रहे हैं। वास्तव में यही तो सम्मोहन है, यही तो पूज्य श्री गांधी जी में सम्मोहन था, यही तो श्री विवेकानंद जी में सम्मोहन था। यह तो ईश्वर के विशेष दूत विशेष लोग जन सेवा मानव सेवा करने के लिए समय समय पर आते ही रहते हैं। किसी के बारे में कोई क्या टिप्पणी कर सकता है आज वर्तमान में, तो वास्तव में बेशक वो एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व के मालिक हैं। आज इस तारीख में भी वो पूज्य श्री शंकराचार्य श्री निश्चलानंद गोवर्धन पीठ जी के साथ विशेष मंत्रणा कर रहे हैं, और उनका एक ही सिद्धांत है, चरे वेति चरे वेति चरे वेति। और ये छोटी सी जो बुक है सनातन धर्म क्या है, इसको आप अवश्य पढ़ें, अवश्य इसका गहन अध्ययन करें। ये छोटी जरूर है लेकिन ये बहुत ही लौकिक किताब है और बहुत ही
दिव्यता के साथ रची गई है और इसमें उन्होंने वास्तव में पूरे सनातन को समाहित कर दिया है। आपको लिए खुशखबरी है, यदि ये आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो हमारा ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट की शाखा है उदयो चंद्रा पुस्तकालय, ये ऑनलाइन सेवा करता है। आप इसके माध्यम से हमारे फ़ोन नंबर 6393828336 पर हमको मैसेज करके आप ये सेवा ले सकते हैं और पुस्तकालय के नियमों और शर्तों का पालन करते हुए मैं आपके ऑनलाइन आपके घर पर ये बुक्स मैं पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचा सकता हूं। और हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए और इस परिचर्चा में भी हमेशा शामिल होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।